उधर अतीक के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर का रिक्रिएशन किया गया, जिसके लिए पुलिस, यूपी एसटीएफ और फॉरेंसिक लैब की टीम झांसी के पारीचा डैम इलाके में पहुंची, जहां पर 13 अप्रैल को मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया था। रिक्रिएशन के दौरान दोनों की जगह दो पुतलों का इस्तेमाल किया गया। उस एनकाउंटर के बाद जिस तरह से असद और गुलाम के एक मोटरसाइकिल पर होने की बात कही गई थी, ठीक उसी तरह मोटरसाइकिल भी लगाई गई और पूरे घटनाक्रम को हूबहू समझने की कोशिश की गई। एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद दावा किया था कि असद और गुलाम के आखिरी लोकेशन के आधार पर ही दोनों की घेराबंदी की गई थी, जिसमें दोनों एक मोटरसाइकिल से भागने की फिराक में थे और जब पुलिस से घिर गए तो दोनों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऐसे में एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद और उसका शूटर गुलाम वहीं मारे गए। और पुलिस के साथ पहुंची एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक की टीम ने रिक्रिएशन के जरिए उस एनकाउंटर की सच्चाई जानने की कोशिश की। इस दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि उस दिन यानी कि 13 अप्रैल को एनकाउंटर के पहले और उसके बाद क्या हुआ। ये रिक्रिएशन ठीक उसी जगह पर किया गया जहां 12 दिन पहले असद और उसके शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ था। अतीक हत्याकांड में एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में एसआईटी जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। चार्जशीट दायर होने के बाद तीनों शूटर्स पर मुकदमा चलेगा। और उधर सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम दुबई फरार हो गया। यूपी की बरेली जेल में वो अशरफ से गैर कानूनी तरीके से मिलने भी जाता था और इसी मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस को सद्दाम की तलाश है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस को चकमा देते हुए सद्दाम कोलकाता के रास्ते दुबई भाग निकला, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से वो फरार चल रहा है। आरोप है कि बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात में सद्दाम अवैध वसूली समेत दूसरे अपराध को अंजाम देने का प्लान बनाता था। वहीं पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की सभा के बाद हंगामा हो गया। मंच से उन्होंने बैलेट बॉक्स की मदद से पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को चुनने का ऐलान किया, लेकिन अभिषेक बनर्जी के वहां से जाते ही हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने मंच पर रखे बैलेट बॉक्स को ही तोड़ दिया। पर्ची पर नाम लिखकर देने की ऐसी होड़ लगी कि वहां अफरा तफरी मच गई और भीड़ से निकलकर कई लोग मंच के ऊपर चढ़ गए। लोग भी इतने कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। असल में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में रख दें और उसी हिसाब से पंचायत चुनाव में प्रत्याशी तय होंगे, लेकिन उनके मंच छोड़ते ही लोग बेकाबू हो गए। बाद में किसी तरह पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। और इस बीच बिहार में जेल नियमों में बदलाव के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला गर्मा गया, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका करने की तैयारी है। सब जाएं, हम सजा से ज्यादा काट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का